गुड इवनिंग अरे लीजिए बस आप और किसी को किसी बोलने की जरूरत नहीं है महाराज सिंह साहब है बोले जी चलिए सबसे पहला सवाल ही नहीं हाँ हाँ ही नहीं आप बताएगा कैसा रहा आज का कार्यक्रम बहुत जबरदस्त रहा बहुत खूबसूरत रहा और जिस तरह का ये स्टेज बना है फ्लोटिंग स्टेज का है थोड़ा सा मुश्किल रहा क्योंकि स्टेज स्टडी नहीं है हिलकी रहती है फिर भी मैंने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और हाँ एक बात है कि जहाँ ग्रैंडनेस है कमाल की ग्लैमर है पूरे इस सेटअप में वहीं वो जो एक परिवार का एकत्र होकर एक जो एक कोसीनेस होती है वो शायद वो चीज़ बॉन्डिंग मिसिंग हो रही है क्योंकि काफ़ी फैला हुआ है सारा सारा सब कुछ बट इट्स द फर्स्ट टाइम एंड इट्स वंडरफुल आपने कलर्स फैमिली के लिए कोई गाना गाया कोई मतलब कलर्स फैमिली पुट योर हैंड्स अप एंड से गोल्डन पेटल अवार्ड्स इस तरह का कुछ गाने को थोड़ा सा ट्विस्ट करके मनाया गया ज्यादा पतला होता जा रहा हूँ फिट होने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन पतला होता जा रहा हूँ नहीं नहीं कोई खास वजह नहीं बस अब 41 का हो गया हूँ मैं नहीं चाहता कि जैसे बार बार एवरग्रीन सीनियर ये बातें कभी कभार मतलब बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स लगते हैं लेकिन ठेस पहुँचते हैं कई बार तो नहीं चाहता कि ऐसी बातें सुनना पड़े तो मैं हाँ सुनाई दे हाँ तो मैं बस यंग यूथफुल ही रखना चाहता हूँ बस यही कह दी और क्या कहना अच्छा 22 साल का ये जब कॉम्प्लीमेंट देते ना मतलब इसके बाद अभी कुछ बहुत डेंजरस बात आने वाली है मैं तैयार हूँ चलिए मैं काट देता हूँ सर कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते हैं सर बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ सारे कैरेक्टर्स कपिल ही जो कैरेक्टर है बहुत ये देखिए मुश्किल कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि ही कैन ऑलवेज नॉट ऑलवेज बीन वन कैरेक्टर उनको जहाँ इंटरव्यू भी देना होता है वो भी करते हैं फिर साथ साथ अपनी गरीबी पर काफ़ी ज़्यादा मजाक और मज़ा आता है बट ही इज़ फैंटास्टिक ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस बुआ भी कमाल है बुआ हर किसी से शादी करना चाहती है थैंक गॉड मेरी शादी हो गई है उसने मुझे आपको भी आया वो ऑफर नहीं वो जानती हैं मेरी शादी जिससे हुई है थोड़ी सी डेंजरस है वो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो उनके सामने बुआ क्या कम्पीट करेगी उसके साथ 22 जी 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 हाँ 44 इनकी बात आई थिंक खत्म नहीं हुई है ना और क्या कहना था 44 के बाद नहीं हो गया हाँ 44 उम्र भी है सीना भी है कान हैंडल ऑल दैट है जी चार चांद लगा दिए उसने बिग बॉस की बात कीजिए आपसे कौन सा प्रतियोगी आपको बेहद भाता है और उसको चाहते हैं कि विजेता जानना चाहेंगे आप बिग बॉस में देखिए सब यही समझ रहे हैं कि काम्या और संग्राम बहुत सहनशीलता के साथ बहुत संयम के साथ बहुत बाहर हो चुकी है अरे बाप रे बाप बाहर हो गई काम्या काम से गई शॉकिंग न्यूज अरे वो तो बहुत उसकी उसमें जबरदस्त मैं तो उन्हीं को चाह रहा था कि वो जीते यार ये कैसे हो गया काम्या जिस तरह से वो चीज को पकड़ के उतनी लंबी रही लड़के भी नहीं कर पाए वो फिर बॉक्स के अंदर इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम करने के बाद माय गॉड उनकी मतलब वो नथनी भी हिली नहीं कमाल है और अभी आउट हो गई खुद ही हिल गई अब जो बाकी बचे हैं उनमें से संग्राम को कर देते हर कोई संग्राम कह रहा है तो मैं सोचा कुछ अलग कहूँ नहीं संग्राम ही ठीक है एंडी एजा संग्राम अरमान कौन रह गया गौहर मुझे लग रहा है गौहर जीत जाएगी जीत सकती है ये तो अलग ही शो शुरू हो गया नहीं नहीं ये सचमुच लग रहा है कि पहली बार मेरे पास ना पीआर है ना कुछ है लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गया कमाल हो गया ऐसा भी हो सकता है आज की तारीख में बिना फेसबुक और बिना पीआर के भी किसी को इतना वक्त मिल सकता है कहीं अपने कैमरा के सामने लेकिन ये कुछ आएगा नहीं क्योंकि मेरा कोई पीआर वाला है नहीं ना इसको कहीं पुश करने के लिए ना कहीं पेपर में आएगा ना कहीं आएगा फ्री में थोड़ी कोई कुछ करता है आजकल फिर भी हाँ जी अरे नहीं यार आप कैसी आप पर्सनल बातों पर अभी मैं क्या कहूँ के बारे में ऋतिक रोशन इज अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन सुजन से भी मतलब जबी भी मिले हैं शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल वंडरफुल पर्सन अभी निजी उनकी क्या समस्या है क्या बात है इसके बारे में तो हम क्या बता सकते हैं बट दे आर बोथ वेरी वेरी यू नो दे ऑलवेज केप्ट देयर ग्रेस एंड सोफिस्टिकेशन सो जो कुछ भी हो मतलब शायद किसी को भी पता नहीं चलेगा बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल दे आर वेरी पर्सनल वेरी प्राइवेट तो और हम उनके कोई इनर सर्कल या दोस्तों में तो है नहीं
तो आई एम श्योर जो कुछ भी हो इट्स वेरी सैड और बट लाइफ इज टू शॉर्ट. मतलब अगर समवन वांट्स टू मूव ऑन देन आई थिंक वी शुड बी अलाउड. आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं. 9 वर्ष पर आप कहां पर इस बार ये बहुमुखी के मुख को कहीं भी दिखाई नहीं देने वाला है फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अब तक तो कोई शो हाथ आया नहीं है तो शायद हम दोस्तों के साथ कहीं मुख काला करते हुए नजर आएंगे. शो हाथ नहीं है मेकअप उतरने पे वैसे भी काला हो जाता है लेकिन नहीं आजकल तो जब से झलक दिखलाता क्या हूँ जो भी शो में जाता हूँ तो लोग वो डांसिंग का जरूर फरमाइश करते हैं लेकिन अब उनको क्या बताऊँ कि मैंने मेरे कोरियोग्राफर को बहुत बार कहा था कि मेरे गानों पर कोरियोग्राफ करो तो वो मैं याद करके अपने शोज में यूज़ कर सकता हूँ लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं तो अब तो हाँ माहौल क्या बोल रहा है माहौल लाहौल कुला लाहौल बा कुवैत क्या है चलिए हाँ रियाज करना पड़ेगा रियाज के बाद ही होगा ये. एक चीज आपको हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था जहाँ सभी सिंगर्स इकट्ठे हुए थे गायक इकट्ठे हुए थे और एक नया मोर्चा एक नई पहल की थी उसी के तहत कुछ अप्रिय घटनाएं आजकल हमें सुनाई देती हैं चाहे वो ज्येष्ठ सोनू निगम हो चाहे सुनिधि हो श्रेया हो कुछ अप्रिय से ऐसी घटनाएं आप किस तरह से देखते हैं आप एक महान सिंगर. नहीं 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 अप्रिय घटना तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन हाँ बिल्कुल जब कोई नया अभियान शुरू होता है जब कुछ नई एक थॉट प्रोसेस शुरू होती है जब हम चाहते हैं कि कोई चेंजेस हो परिवर्तन हो तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं लेकिन हो जाती हैं. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ एक और एक दो तीन हफ्तों में चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और हर किसी को एग्जैक्टली क्या रूल्स रेगुलेशंस है मतलब हमें भी प्रोड्यूसर्स को भी कंपोजर्स को भी हम सबको समझ आ जाएगी. एक पूरी बॉडी एक लॉयर्स हैं लीगल टीम है वो सब वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरह से होगा ये सब कुछ और सबके हित में होगा सबकी इसमें जीत होगी हम मतलब पूरे म्यूजिक फ्रेटर्निटी की जीत होगी. मैंने परफॉर्म किया और थोड़ी सी गलतियाँ भी कर दी लेकिन स्टेज बहुत डिफिकल्ट था तो कोई बात नहीं किसी को पता नहीं चला सब हंसी कुछ गलती नहीं और मुझे पता नहीं था मुझे स्टेज पे जाना कहाँ है बहुत सारे लड़के थे तो मैं कहीं और ही चली गई बट देन आई कोप्ड अप यू नो हाउ गुड आई एम. मैंने परफॉर्म किया गाने पे एक तो है 2 फ्रॉम गोरी तेरे प्यार में करीना कपूर का गाना और एक है 1 2 3 4 फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शाहरुख खान का गाना. सो दोनों बहुत पेपी गाने थे. किसी के साथ और भी क्या आपके साथ कोई और 8 लोग थे. थैंकफुली कहा गया था कि कलर्स के सबसे फेवरेट स्टार्स साथ में परफॉर्म कर रहे हैं तो हम सब बहुत खुश थे जो 8 लोग परफॉर्म करने गए थे. इट वाज मी इट वाज आशिका श्वेता तिवारी आरती छाबड़िया मनीष जय सोनी मृणाल जैन एंड हु एल्स वाज देयर आई फॉरगॉट हाँ विविन डिसेना सॉरी. आरती ने डांस किया आरती अभी भी डांस कर रहे चाहिए देखिए आप जब घर